एक स्टाइल है। घरानों ने अपनी अपनी खासियत रख के अलग स्टाइल बनाई। 12 ही सुर थे, बिना मेहनत किए हुए कोई भी उसको फास्ट गा नहीं सकता, हिल जाती है जगह। आपको सालों साल निरंतर यही प्रयास करना है कि वो जो 12 सुरों की जगह आप जिस तरीके से सोचते हो उस तरीके से वो अप्लाई होनी चाहिए, लगनी चाहिए, तो ही आपकी कमांड आ गई। पहले रियाज ऐसे 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 बढ़ती है, फिर ऐसे कम होती है। मित्रों नमस्कार, मैं संजय पत्की, स्वर स्वामी एक ओल्ड वाला और स्वर स्वामी न्यू ऑफिशियल, दोनों चैनलों के माध्यम से एक बार फिर आपको कष्ट देने के लिए आ रहा हूं। आज तक बहुत से वीडियो भी बोल दिए हैं, बहुत से बार वही वही सब्जेक्ट दोहराए जाते हैं, आपने कंप्लेंट भी की है। पर एक आपको बात बताऊं कि संगीत का अगर सिलेबस देखे जाए तो 2 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, फिर से वही चीज आती है और वही आनी भी चाहिए, क्योंकि बार बार निरंतर प्रयास करना 12 सुरों के ऊपर, इसी को तो साधना कहते हैं। किसी एकाध चीज को अगर साध्य करना है, मानते हैं कि चलो एक मंत्र है, एक मंत्र को अगर साध्य करना है तो साध्य करने के लिए 10 मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। एक ही मंत्र को बार 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 जितने भी बार दोहराओगे उतने उसके आवर्तन पूरे होते जाएंगे और उसको सिद्धि आती जाएगी। अब 12 सुरों के ऊपर 13वां सुर तो है ही नहीं, तो ये सवाल कहां से होता कि बार बार वही सब्जेक्ट आने वाले हैं? आने ही वाले हैं, सब्जेक्ट वही रहेगा। उसमें एक 30-40 जो नए नए आयाम है, जो बड़े बड़े शास्त्रकारों ने अपने अपने तरीके से उसको पेश किया है, कभी कभी वो भी लेने का प्रयास करेंगे, बीच बीच में किया भी है। कोशिश यही रहती है कि किसी भी उदाहरण से आपके जहन में वो चीज आ जाए। बार बार खटका, बार बार ऊंचा कैसे गाए, खर्च की रियाज कैसे करें, सांह कैसे लगाए, गाने का सांह कैसे पहचाने, इट्स कॉमन क्वेश्चन सभी, जो आपको मालूम भी है। लेकिन होता क्या है, आप लोग नए नए वीडियोस देखते हैं और अपने अपने अंदाज से जो सज्जन, जो शास्त्रकार, जो आर्टिस्ट, जो शिक्षक आपको बताते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैं तो ये भी कंफ्यूज हो गया कि कौन सा साबुन लगाया जाए। इतनी एडवर्टाइज आती है, ये लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, कोई भी साबुन लगाओ, ऊपर से तुम सफेद भी हो जाओगे कोई साबुन लगा के, लेकिन अंतर मन को कैसे धोगे? वो तो काला का काला ही रहेगा मेरा, वो तो साफ हुआ ही नहीं कभी। तो मन की मैल उतारने वाला साबुन जो है वो अपने ही अंदर, अपने ही पास है, कि उसमें लीन हो जाओ। ईश्वर का रूप अदृश्य अवस्था में है और संगीत के सुर भी अदृश्य अवस्था में है, तो उसको ईश्वर क्यों नहीं मान सकते? बाकी सब तो फंडे हैं, ये बाकी जो है सब फंडे हैं। एक स्टाइल है, घरानों ने अपनी अपनी खासियत रख के अलग स्टाइल बनाई। 12 ही सुर थे, किसी ने बहुत दुगुन की तान चलाई, स्किल है। किसी ने नोटेशन फास्ट बताया, उसमें भी स्किल है। बिना मेहनत किए हुए कोई भी उसको फास्ट गा नहीं सकता, हिल जाती है जगह। आपको सालों साल निरंतर यही प्रयास करना है कि वो जो 12 सुरों की जगह आप जिस तरीके से सोचते हो उस तरीके से वो अप्लाई होनी चाहिए, लगनी चाहिए, तो ही आपकी कमांड आ गई। पहले रियाज ऐसे 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 बढ़ती है, फिर ऐसे कम होती है। तो कम होती है मतलब एंड नहीं होती, आपको खाली रिचार्ज करना पड़ता है कि क्या किया था, सोचना है। कई तरीकों के वीडियो मैंने देखे, कई तरह के वीडियो देखे मैंने, कि हर आदमी अपनी अपनी समझ और सोच के अनुसार
आपको सिखाने का बताने का प्रयास करता है, करना भी चाहिए, आपने देखना भी चाहिए, आपको सही और गलत का फर्क तो मालूम पड़ेगा और उसको अप्लाई करके देखिए कि हाँ ये ठीक लगता है क्या। गले में जो गोलाई तैयार होती है, रिंग तैयार होती है, वो किस अंदाज से बनी है या किस अंदाज से बनाई जाती। पुराने जमाने में जब लोग एक सुर की दो दो घंटे रियाज करते थे तो किस तरीके से करते थे, इसके पीछे एक प्रमाण था, उस प्रमाण से वो रियाज करते थे तो कुछ ना कुछ हासिल होता था। हमने शब्दशः अर्थ उठा लिया, एक सुर की दो घंटे रियाज यानी दो घंटे सा लगाओ। किसने कहा दो घंटे सा लगाओ? सा रे सा ग सा म सा प सा ध सा नी सा सा, ये जो तरीका चल रहा है, हमारे जो स्टूडेंट्स है वो अंग्रेज वो कर रही है अंग्रेजी में चैनल, स्वर पूजा नाम का चैनल है, वो बता रही है उसके अंदर सब समझा के। देखिए आप सुनिए, जिनको हिंदी सुनने का कष्ट पड़ता है, जिनको अंग्रेजी बिल्कुल सहज समझ में आती है, उन्होंने वही स्टाइल सुनो सीखो उठाओ कि एक सुर की दो घंटे रियाज कैसे करते हैं। 64 टाइम वो एक सुर लगता है, पंचम को 64 टाइम, किस तरीके से पंचम से ये स्वर, पंचम से वो स्वर, पंचम से वो जाना आना, उधर का पंचम लो, उधर से आना जाना, कभी इधर से निकालो, कभी इधर से निकालो, कभी बीच से निकालो, आपका बाल है, आपको करना है। आपको आदत पड़ गई है, किसी ने वो लिख कर दिया है ना, जो परंपरागत कॉपियों में बाप भी वही पढ़ता है, बेटा भी पढ़ता है, बेटी का बेटा भी वही पढ़ता है, वही बिना हरि कौन खबर मोरी लेत, वो कॉपी पीली पड़ जाती है, पन्ने फटने लगते हैं, लेकिन वो बंदिश बदली नहीं जाती। परिवर्तनशील संगीत है जरूर मानता हूं, 12 सुर परिवर्तनशील नहीं है, वो जैसे रखे हैं किताबों में वैसे ही मूर्तावस्था में पड़े, उसको अपने अपने बुद्धिमत्ता से आपको जागरूकता लेकर उसको जिंदा करना है और पब्लिक के सामने या अंतरात्मा में तुम्हारे वो अच्छे लगे इस तरीके से उसको कायम करना है, पेश करना है। 95% तो नुमाइश में खत्म हो जाते हैं, उसमें भी क्या हम वो चीज लिखी हुई पाना चाहते हैं। गुरु जी इसका कोई पीडीएफ मिलेगा क्या? पीडीएफ किस चीज का चाहिए? बेसिक पीडीएफ मिल सकता है, और बेसिक चीज नेचर देता है। आपके ब्रेन में सारे गमा पदनिसा ये नेचर ने दिया है, सागर एमा पनी धसा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका पीडीएफ आप देखोगे तो आपकी आंख काम करेगी, ब्रेन आधा ही काम करेगा। जब आप छोड़ोगे देखना, अब याद करोगे तो नहीं याद होगा, तो पहले से ही उसको ब्रेन में अच्छा ये। बहुत से लोग देखो नोटेशन बोलते हैं तो पहले फिर उसको साथ के बाद में वो इससे ऊंचा है और वो इससे नीचा है ऐसे ख्याल में रखते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा आवाज ऊपर चढ़ा है, आवाज नीचे आया है, आवाज ऊपर चढ़ा है नहीं, सुर कौन सा है, कौन सा सुर ऊपर का लगा है और कौन सा सुर नीचे का लगा है, इसको